इट्स अ स्टैंड अप कॉमेडी, लेकिन एक बात मैं आप सबको बताता जाऊं, वो बहुत खतरनाक हैं, बहुत खतरनाक, लेकिन उससे भी ज्यादा वो औरतनाक हैं. So, औरतनाक is performing here, a stand-up comedy. Please give them a big hand, please. Assalamualaikum. Jam shoro, Hyderabad and Karachi. Keda halain? Zabardast, zabardast. Jiye Sindh, jiye Sindh. सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं वही सिंधी कॉमेडियन हूं जिसने सिंधियों के बारे में स्टैंड अप कॉमेडी की थी और उससे काफी लोगों की दिल आजारी हुई त माहतां सा माफी घुरां थी. बाकी मेरी इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं थी. मैं सिंधी हूं, मैं सिंध को ओन करती हूं, तो मैं मजाक उड़ा सकती हूं. अब कॉमेडी शुरू करते हैं. अजा भी तहां कावड़े लायो त माहतां के गाई परचाइंदुम किया रे झाया तो खे किया परचाया दस कोड़ा. इसीलिए मैं सिंगर नहीं और कॉमेडियन हूं. अच्छा अब आहिस्ता आहिस्ता अब सुन ले, हमारी बात सुने. हम क्राउड को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे. ये साइड कहेगी जीए, ये साइड कहेगी सिंध. रेडी है? जिस तरफ इशारा करूंगी सिर्फ वही बोलेगा. जबरदस्त. एक और नारा मारेंगे, लहूती मेलो. चले सब मिलके बोलें. जबरदस्त. तो हम दावत देते हैं अपने पहले कॉमेडियन को, वो रशिया से मंगवाई है हमने आपके लिए. बहुत बड़ी पहुंची हुई औरत है, वो इंजीनियर भी हैं और कॉमेडियन भी हैं. तो आपकी भरपूर तालियों में दावत देते हैं एनी शमीम को. मैं पाकिस्तानी हूं. पहले मैंने सोचा पाकिस्तान में तो पाकिस्तानियों को इज्जत ही नहीं मिलती, इसलिए मैं गोरी बन जाती हूँ. फिर मैं यहाँ आई, मैंने कहा ये तो मेरे लोग हैं. तो अभी मैं आपको बताऊंगी सब अपने बारे में, सुन रहे ना. मेरा नाम है एनी. मुझे जो भी मिलता है मुझसे पूछता है आपका नाम क्या, असली में करो तो लेने. फिर मैं लोगों को बताती हूँ, हाँ भाई सारे लोग, सारी एनी का नाम करो तो लेनी है. आप लोगों को पता है करो तो लेन का मतलब क्या है? अक्खा जी ठंडक. अगर तुम जो सुठो है अक्खा जी ठंडक, अगर तुम जो सुठो ना आए माजी अक्खा जी ठंडक, मेरी माजी. पर मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना नाम बदल लूँ. मैं अपना नाम बदल के माशाल्लाह रख लूँ, क्योंकि जब मैं सड़क पे जाती हूँ तो सब मुझे बोलते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह. इसलिए मैं सोचती हूँ अगर सबको यही नाम पसंद है तो मैं यही नाम रख लेती हूँ. लेकिन असल में तो सारी औरत जात का नाम माशाल्लाह होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम सड़क पे जाती है सब बोलते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह. और ये लहूती मेलो हमें ट्रिब्यूट देने के लिए, सारी माशाल्लाह के लिए. सब माशाल्लाह के लिए यहाँ पे अलग सिस्टम बनाए है बैठने का, ताकि सब सिर्फ दूर से बोले माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा हम जो है हम बहुत मुसलमान लोग हैं, और हम जो गलती करते हैं
उसका जो दोष होता है ना वो हम शैतान पे डाल देते हैं. ब्रेकअप, किसका ब्रेकअप हो गया? क्या बोल रहे भाई? डाटो सुटो ना है बू. अच्छा खैर, तो मैंने बात करनी थी किस्मत के बारे में. हम जहाँ पे, जिस मुल्क में हम रहते हैं, वहाँ पे किस्मत का बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि हमें सरकार तो बहुत कम कुछ देती है, हम किस्मत के बारे में सोचते हैं. तो जो सबसे बदकिस्मत लोग होते हैं वो मेरे जैसे होते हैं, जिनका लूडो में कभी. क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या हुआ? भूख लग रही है, देर हो गई है, सर्दी लग रही है. जिए भुट्टो. कोई बात नहीं यार, मैं कराची से आई हूँ, इतनी दूर से, सुन लो, रोज नहीं आती. हाँ, तो मैं कह रही थी किस्मत के बारे में. अच्छा, किस्मत जो है ना वो बड़ी मजे की चीज है. उसमें जो चीज, मतलब जैसे जो जरूरत से चीजें कम होती है ना, वो ही हमें किस्मत देती है. जैसे अभी पाकिस्तान में देख ले आप, हजारों किलो हुसन, जीरो किलो तमीज. अच्छा, आगे हम बात करेंगे अभी कि किस्मत जो बुरी होती है वो किस तरीके से होती है, ठीक है ना? तो कुछ कैमरा गिर गया. कुछ लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि उनकी किस्मत खराब है, उनको सुटो मारो ना मिलवा है. फिर मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, सुटो मारो तो किस्मत वालों को ही मिलता है ना? पर कुछ लोग ऐसे होते हैं वो छोटी छोटी बात पे किस्मत को दोष देते हैं. वो कहते हैं कि यार ये प्रिंटर में पेज नहीं निकल रहा, मेरी तो किस्मत ही खराब है. फिर मैं उनसे बोलती हूँ कि यार ये तो इतनी छोटी बात है, इस पे किस्मत को क्यों घसीट रहे हो? कितना डिटेल डॉक्यूमेंट है ये किस्मत, जिसमें लिखा होगा कि आपकी जिंदगी में कितने पेजेस प्रिंट होने हैं. कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल. छा थे, था छा तो थी, छा तो थी. ये मेरी दोस्त आ गई है यहाँ पे. अच्छा, तो खैर पाकिस्तानियों की किस्मत जो है ना वो हमेशा कोई ओवरवर्क और अंडर पेड आदमी लिख रहा है. बॉल पॉइंट लेके बैठा हुआ एक पाकिस्तान किस्मत ऑफिस में आदमी. पाकिस्तान का मसला ये है कि उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि हर घंटे 676 बच्चे पैदा होते हैं. बहुत खुश है आप लोग ये बात सुन के. इसका मतलब है कि एक मिनट में 11.25 बच्चे पैदा होते हैं, और उस 1.25 वाले की किस्मत का तो पूछा ही मत. अच्छा, पाकिस्तान किस्मत ऑफिस जो है उसके अंदर एक आदमी बुड्ढा सा बैठा हुआ है, और जब 1.25 वाला बच्चा निकलने वाला होता है एंड टाइम पे, वो बोलता है यार. एक छोटा बच्चा भागता हुआ उसके पास आता है, छोटू चाय वाला, और उसको बोलता है सर सर जल्दी लिखे, लिख लिख निकलने वाला है, वह प्रिंटर खराब हो गया है. बुड्ढा आदमी बोलता है अरे यार निकलने वाला है, कोई बात नहीं, लिख रहा हूँ ना, एजुकेशन रह गई है. छोटू बोलता है कोई बात नहीं सर, पाकिस्तान में तो एजुकेशन होती ही नहीं है. कोई बात नहीं, इस बच्चे को ये नहीं पता कि एजुकेशन ना हो तो किस्मत भी नहीं होती. और पाकिस्तान ऑफिस में औरतों की किस्मत तो पता नहीं किसने लिखी है छोटू ने, इतनी गलतियां, तौबा तौबा. एक वैसे आप लोग सुनना नहीं चाह रहे, लेकिन एक बात आपसे करूंगी यहाँ पे कि भाइयों भाइयों, मुझे पता है आप मेरे भाई नहीं बनना चाहते, लेकिन औरतों की चाबी किस्मत की तो आपके हाथ में थी, आपने ताला बंद करके फेंक दी.
आप लोगों के घर में दरवाजे किस किस के घर में? वेरी गुड. दरवाजे बेचारों का सबसे बुरा सीन है. उनका काम है बंद होना, लेकिन जैसे ही वो बंद होते हैं वो बुरे हो जाते हैं. बंद दरवाजे के पीछे जो होता है वो बुरा होता है. मतलब पोटी करना, कपड़े बदलना, नहाना, सब बुरी बात है. अगर आपने दरवाजा बंद करके किताब पढ़ ली तो अम्मी आके पूछती है क्या पढ़ रही थी. और अगर आपने किताब मूवी देख ली दरवाजा बंद करके तो अम्मी पूछेंगी क्या देख रही थी. और अगर खुदा ना खास्ता आपने दरवाजा बंद करके कुछ नहीं किया तो अम्मी कहेंगी क्या कर रही थी. आप कहेंगे अम्मी कुछ नहीं कर रही थी, कुछ तो कर रही थी. नहीं अम्मी, कुछ नहीं कर रही थी तो दरवाजा क्यों बंद था? अच्छा ये है कि मुझे लगता है कि दरवाजे सारे निकाल के फेंक देने चाहिए, क्योंकि सबको दरवाजों से बहुत नफरत है. उसे हमारा सबसे बड़ा मसला भी हल हो जाएगा आबादी का. बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा क्राउड है आप. गिव इट अप फॉर एनी शमीम. थैंक यू. यार ये क्या हो गया, इतने दूर से हमने आर्टिस्ट बुलाई है, थोड़ा सा तो दिलासारी करें उनकी. क्या हो गया? अच्छा खवातीन बैठी हुई इतनी सारी, एक मिनट यार, मर्द आप लोग प्लीज चुप करें एक मिनट. लहूती मेलो औरतों को डेडिकेट किया गया, आज औरत को बोलने दें. अच्छा एक मिनट, यहाँ कितनी माएं बैठी हुई हैं, यहाँ पे माएं हाथ उठाएं, माएं हाथ उठाएं, सिंधी माएं हाथ उठाएं. आप अपने बच्चे को दड़का देने के लिए क्या बोलती हैं? अपने बच्चे को दड़का कैसे देती हैं? अपने बच्चे को कैसे डांटती हैं? क्या बोलती हैं आप उसे? बच्चे नहीं है छा उसको नती अच्छे छापे थुक थई लूसी भेणा. अच्छा अब हमारे पास एक और कमेडियन है, वो एक कारपेंटर है. तो अगर आपको अपने कुर्सी मेज ठीक करवाने तो आज उनसे अपॉइंटमेंट ले लें, वो कमेडियन भी हैं. जिए 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 सिंध. ये पठान है लेकिन इनका सिंधी एक्सेंट मुझसे भी ज्यादा अच्छा है. तो दावा देते हैं सना खान न्याजी को. अस्सलाम वालेकुम. जाम शोरो थोड़ा शोर मचाए. वो जबरदस्त जबरदस्त, बड़ी अच्छी एनर्जी है. जैसे नतालिया ने कहा जिए सिंध. जबरदस्त. सर्दियां एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? नहीं कर रहे? करनी चाहिए, करनी चाहिए. आपको पता है क्यों? अच्छा बताएं, बात सुननी है कि नहीं सुननी? कोई बात नहीं, दो मिनट सुने. नहीं ठीक है, एक काम करें, सर्दियां थोड़ी इंजॉय करें. पता है क्यों? क्योंकि सर्दियों में सबके मूड बहुत अच्छे होते हैं. बात है कि नहीं? कोई बाहर से पाकिस्तान आता है सर्दियों में बड़ा खुश होता है, इतने अच्छे लोग हैं, दे आर सो नाइस एंड हॉस्पिटेबल. एंड आई एम लाइक, रमजान में आए ना आप, फिर पता चलेगा, वो भी गर्मियों के रमजान में. सब असलियत सामने आ जाएगी. किसी को सलाम कर दो, कहते हैं अपने बाप को जाके सलाम करो. ओके अब्बू. अच्छा मुझे बताएं, आप लोगों में से कितने लोगों को अपनी फैमिली से प्यार है? जबरदस्त, कितना झूठ बोल रहे हैं सारे. क्योंकि फैमिलीज ना प्यार करने के लिए नहीं होती हैं, बर्दाश्त करने के लिए होती हैं, है कि नहीं? वैसे कहने को तो मुझे भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार है, लोगों को बताने के लिए कहना पड़ता है. बट जब आपको किसी की इतनी असलियत पता चल जाती है तो आप उनको प्यार नहीं कर सकते, सिर्फ बर्दाश्त कर सकते हैं.
मेरे घर में मसला ये है कि मेरे अम्मी, मेरे अब्बू, मेरे बहन भाई, मेरा कुत्ता सब पठान है, और सिंधी और पठान भी ना भाई भाई हैं सारे। दोनों से बर्दाश्त नहीं होता कि उनकी औरतें कुछ बोलें। घर से मुझे भी निकाल दिया तो मैं यहाँ आ गई। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। रॉटवाइलर का किसी को पता है? पता है, एक कुत्ते की किस्म होती है। जब आप हिटलर और आर्नल्ड श्वार्ट्सनेगर का क्रॉस ब्रीड करते हैं तो रॉटवाइलर निकलता है। अगर आपके घर में रॉटवाइलर है तो लोग आपकी गली से गुजरने से भी डरते हैं। पर मेरे पास मेरा जो कुत्ता है वो रॉटवाइलर है, मुझे उससे बहुत प्यार है। क्यों? क्योंकि वो मेरे हर रिश्तेदार पर भौंकता है जो मैं नहीं कर सकती। थोड़ा शोर मचाए यार, कम ऑन, वू, दैट्स गुड, ये एनर्जी चाहिए। मेरे ना मेरी बहन बड़े बहुत पहले मेरी जिंदगी में मुल्क से बाहर चली गई थी, तो मैंने बहुत टाइम ना अपने दो भाइयों के साथ गुजारा है, तो बड़ी उनकी आदतें भी मैंने ले ली, जैसे बाहर रोड पे बॉयज के साथ क्रिकेट खेलना, नहा के वही कपड़े पहन लेना क्योंकि पसीना तो अपना ही है, या छुप के सिगरेट पीना। मैं मजाक कर रही हूं, लड़कियां सिगरेट नहीं पीती। तो मेरी बहन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। चले, आप लोगों ने एक्सेप्ट तो किया, थैंक यू वेरी मच। तो मेरी बहन को लगता था कि मैं बहुत एक एक्स्ट्रा इंसान हूँ घर में, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना और वो जिसकी नहीं होती और वो होती है। आई वॉज दैट, जैसे रमज़ान पैकेज में बड़ी केचप की बोतल के साथ छोटा जूस का डब्बा नहीं आता, आई वॉज दैट। या जैसे हुमायूं सईद की मूवीज में बाकी एक्टर्स को रोल मिलते हैं यूजलेस किस्म के, या फिर अल्ताफ भाई के साथ हमें फारूक सत्तार मिलता है पैकेज में। तो खैर, बहुत सारी बातें हो गई, थैंक यू सो मच। बस अब आप लोग का और टाइम नहीं लूंगी, बट आई लव माई फैमिली ऑल्सो, सो थैंक यू गाइज। तो कैसी थी सना, तालियां हो जाए एक दफा। टाइम हमारे पास खत्म हो गया है, मुझे मेरे लिए टाइम नहीं मिला, लेकिन जाते हुए हम कोई सिंधी जोक्स कर लेते हैं आज फिर से। सिंधी बहुत ही मीठी जबान है, खास तौर पे अगर आप किसी अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो। मुंजी मिठड़ी, मुंजी रानी, मुंजी चंडरी, मुंजी रिढ। हम सिंधी काफी प्रोग्रेसिव हैं, तो हमने अपना स्लैंग भी बनाया हुआ है, सीपी के छाप्या के हो। पूरी दुनिया में एक मशहूर नसी राइम है कि काफी कैची है, बेबी शार्क डू 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 डू, लेकिन अभी दुनिया ने हमारा नहीं सुना। पैसा उलतम पत्त खां, पैसा उलतम तम गाओ गाओ डिनो मेहके मेहडिनी खीर, अमड़ खे अमड़ डिनी माणी, माणी डिनी काव खे काव डिनो कंब, कंब डिनो राजा खे राजा डिनो घोड़ो, चढ़ी घुम पट न पटाटा जिया तुझो काका। अच्छा, पूरी बाकी आवाम लड़कियों की लो फैट दूध पीती हैं, हम सिंधी लड़कियां बकरी का दूध पीती हैं, क्योंकि हमें शादी के दिन के लिए तैयार होना पड़ता है ताकि तलावों पे सही टक्कर मार सकें। अगर आप सिंधी हैं और आप अपनी शादी पे दिला तीर बीजा पे डांस नहीं किया तो थुक थई लूसी भेणा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, एक दफा फिर से हो जाए, जिए सिंध, लहूती मेलो, औरतें जिंदाबाद।